कहते हैं कि मैंने ओबीसी का अपमान किया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। भाइयों और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अदानी जी जैसे लोगों की मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की मदद करेगी। मोदी जी ने बैंकों के दरवाजे अरबपतियों के लिए खोले हैं, हम बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की सरकार बनाएगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में एक होकर लड़ रही है। भाइयों और बहनों, पूरी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को यहां जिताना है। एक बात याद रखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो 40% कमीशन वाले पैसे से सरकार को तोड़ने की कोशिश करें। जो पैसा आपसे चोरी किया उसी का प्रयोग करके फिर से आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को जीतनी चाहिए। इसको कोई भ्रष्टाचार का मौका नहीं देना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, आप निकलिए, जनता के बीच में जाइए और 150 सीटें यहां जितवाइए।